तो यार आ चुका है ना वो गेम प्ले वीडियो में। तो देखो यार हम लोग यसना उतरे थे, तो मेरा टीममेट बोला चलिए यसना आज जाते हैं। मतलब यसना हमारा पॉइंट है, जब भी उतरते हैं यसना उतरते हैं, लूट भी मिल जाता है, फिर जाके हम बंदर से रास करते हैं। तो यहाँ पर कोई नहीं उतरा था, तो थोड़ा लूट फूट कर लेते, इस तरफ आए थे, लूट फूट हो गया। इस तरफ एक बॉट दिखा मेरे को, मैंने सोचा चलो बॉट को मार के वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाएंगे। तो इस बॉट को मैं भर दिया, इसको भरने के बाद इसको डिंग विंग उठा के इस घर में लूट के लूट फूट करके और निकल पड़ते हैं उस तरफ गाड़ी को ढूंढने का। तो मैंने मेरे टीम में बोला कि चलो आज M24 लेके बंद पे पुश करेंगे। तो मेरे टीम में करता है चलो आज आज पुश नहीं करेंगे, ये रैंक पुश करेंगे, ये रैंक पुश का बहुत मूड है उसका। तो मैंने सोचा चलो रैंक पुश करते हैं, फिर M2 को उठा लेंगे, M249। तो उसने मार्क कर दिया भाई मत खरीदो, M249 मिल गया ले लो, यहाँ से कॉइन बच जाएगा। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना हम ATX भी तोड़ उठा लेते हैं, M249 मिल गया तो ATX उठा लेंगे। तो यहाँ पर कोई बंदे नहीं थे किंतु, मगर गाड़ी जब लेने गए थे तो बंदे थे, जब थे हम लोग को नहीं पता बंदे थे। मतलब वो पिरामिड जो था ना ऊपर, तो पिरामिड के ऊपर वो बंदे कूद गए थे। तो यहाँ पर आके सब पता ही अपना, बहुत बढ़िया लूट मिलता है, तो इसीलिए वो सब यहीं आते हैं। तो हम और मैं और मेरे टीममेट चलते गाड़ी खोजने के लिए, गाड़ी मिलता है अभी हम लोगों को, इसी टाइम मिलता है। और रेड जोन का पता ही है आपको, ये फालतू है बकवास है। तो यार हम चले गाड़ी ढूंढने के लिए, 3 नंबर में और 2 नंबर। काफ़ी दूर देखने पर देख रहे प्लेयर, तो 2 नंबर के बाद 1 नंबर कॉल देता है चलो प्लेयर पे चलेंगे, बंदे खंदे नहीं है। तब तक हम लोग कुछ नहीं था, बंदे है। तो मेरे एक टीममेट कॉल देता है भाई यहाँ पर बंदे है, तो तुम लोग जल्दी से गाड़ी लेके आ जाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो, तो 2 नंबर यहीं से या मुड़ जाता है। तो मैं सोचा क्यों ना गाड़ी लेके आ जाओ, तो पर जाने को सुविधा होगा ड्रॉप पे। तो मैं 3 स्टेप उठा तभी मेरे टीममेट को देता है नॉक। इनले तो बच्चे रे आधा बेकार दिन है, बाकी ले तो मोटा मोटी काज हो जाए। तो 36 तो दिए दिला मामे ए प्ले। तो इधर इधर साइड आए, तो उधर उधर वो गाड़ी मार के 300 मीटर दूर मेरा टीममेट देखो हो गया नॉक अभी। तो मेरे टीममेट को थोड़ा डैमेज दे दिया, मैंने सोचा ठीक है वो है, तो दोनों है, दो मैंने 4 स्क्वाड में थे ना, 2 है वहाँ पर। तो हम 2 आए थे यहाँ पर गाड़ी ढूंढने के लिए, तो इस तरफ से वो 300 मीटर दूर गाड़ी मार के आते। मैंने सोचा क्यों डाफे उठा लेते हैं, फिर सबको टाइम भी मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर हम डाफे उठा लेते हैं, से उठाने के बाद देख रहे हो मेरे टीममेट हो गया ना। तो हम चले अभी उसके ऊपर, वही कंधे थे, मैंने सोचा मैं आ रहा हूँ रुको तुम्हें रिवाइव करने। तो बाकी 2 टीममेट उसके यह कर रहे हैं, उसके ऊपर नज़र देख के बैठे हैं। कसम से बता रहा हूँ भाई पूरा रैंक पूसा लॉबी है, पूरा रैंक पूस पे छुप छुप के मर रहा है बंदा, कहाँ से मर रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना टीममेट को पहले रिवाइव दे दूँ, फिर जाके पुश करेंगे। तो पुश करेंगे कैसे भाई, दिख नहीं रहा ना हम लोगों को, पुश करेंगे। ऊपर देखा ऊपर भी कोई नहीं है, तो उन्होंने बोला उस तरफ है। मैंने बोला ठीक है चलो कुछ नहीं, ऊपर पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के बाद नहीं मिला उसको, तो उस मेरा 2 नंबर टीममेट करता है जो भाई घर में है, 4 तो घर है ना वहाँ पर। और ये देखो मिनी 14 से दिख उसको ना, तो कहाँ से पड़ा उसको कुछ पता नहीं। फिर वो जाके दिख रहा है जो उस तरफ बंद है, देख आ रहा है। मैंने सोचा ठीक है चलो पहले रिवाइव दे देते हैं, और फिर मेरे दूसरे टीममेट भी नॉक किया। ये देखो ये बंदे छुप के बैठा थे, मैंने इसको ख़त्म कर दिया, इसका टीममेट जो नॉक किया था। तो ये बंदा देखो कितना अच्छा है भाई, मिनी 14 चला रहे थे, देख रहे हो पता ही नहीं चल रहा कहाँ से मिनी 14 चल रहा है, कहाँ से M2 चला रहे थे, छुप छुप के बैठा है भाई। तो मैंने सोचा मैंने फुल हील कर लेते, नहीं तो मर जाएंगे जोन में। तो बड़ा हील है मेरे पास, तो मैंने कर लिया। तो मैंने सोचा चलो घर में घुस जाते हैं, नहीं तो हम लोग इतना मारेगा
पता ही नहीं चलेगा। जोन का डैमेज भाई बहुत बढ़ गया है अपडेट के बाद, इतना बढ़ गया है जोन का डैमेज जो पता ही नहीं चल रहा। तो मैंने अंदर दिन दो फायर किया है, एक तो पेड़ के पास है वो स्मोक किया है आने के लिए, और एक को पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर है। डैमेज पर डैमेज दे रहा है मेरे दो टीममेट को। मैंने सोचा चलो क्यों ना घर में आके ही उसको देख लेते कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख रहे थे नहीं मिला भाई उसको बंदे को। तो मैंने सोचा क्यों ना टीटीपी भी लेते हैं। तो मैंने डॉट साइड आया, डॉट साइड आके मैंने टीटीपी लेना शुरू कर दिया। मेरे टीम में कहता हूँ पर मत ले नहीं तो वहाँ से पड़ जाएगा। तो एक बंदा क्लोज क्लोज कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना M249 चला के देखते हैं कैसा चलता है। तो इसके ऊपर नेट गया है मेरे टीम मेट के ऊपर, तो टीम मेट भी नेट गया है। तो मैंने चला दिया और नॉक हो गया। तो मेरे टीम मेट का हो गया ख़त्म यहाँ पर। तो मैंने सोचा क्यों रिलोड पहले हील कर लेते हैं, नहीं तो मर जाएंगे हम। तो हील कर ले, हील करने के बाद थोड़ी स्नाइपिंग देखते हैं कहाँ पर है बंदा। तो उन्होंने कहा उस घर पे है। तो उस घर ने घर पे होने के बाद मेरा एक टीम मेट फ्लैंक कर रहे थे उस तरफ, तो उस तरफ फ्लैंक करने के बाद मुझे पता चला इस टीम मेट इस तरफ आ गए। उसके टीम मेट दो टीम मेट मर गए थे, तीसरा यहाँ पर आ गया। तो मैंने इसका M24 का शॉट देता हूँ मगर मेरा टीम मेट किल कर लेता है। इसी के साथ ये टीम हो गया ख़त्म। थोड़ा लोड वगैरह कर लेते हैं, स्मोक करके उठा लेते हैं। तो थोड़ा लोड वगैरह करके यहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ा लूट फूट चाहिए क्योंकि एमओ तो कम है, M24 का पता है एमओ बहुत ज़्यादा खाता है। तो मेरे पास हील भी नहीं था, एक हील था तो मैंने टीममेट से मांग लिया, टीममेट ने मेरे को हील दिया था। मेरे पास एकदम भी हील नहीं था ब्रो, एकदम हील नहीं था। मैंने सोचा आज एक हील कर लेते हैं फिर वहीं से जा खरीद लेंगे हील। तो नंबर बोला चलो आ जाओ मेरे पास एक हील ले लेना फिर निकलते हैं। तो फ्ले जो फ्लेयर देखे थे हम पता ही है भाई, फ्लेयर पर जाना पड़ेगा बंदे भी जरूर होंगे। तो रैंक तो हम लोग याद ही नहीं थे भाई, रैंक पुश कर रहे थे, रैंक पुश और लॉबी है। तो मैंने बैंडेज उठा लिया था। तो बैंडेज भाई रैंक पुश लॉबी में सबसे बड़ा होता है बैंडेज उठाना भाई। तुम जब रैंक पुश कर रहे हो तो बैंडेज तुम्हें भर भर के उठाना चाहिए। मैं तो हाईएस्ट बैंडेज उठा 76 बैंडेज था मेरे पास। रैंक पुश के लिए सही होता है बैंडेज, हील हील मस्ट, जितना भी तुम हील लगा। तो हम लोग यहाँ पर गाड़ी उठा कर निकल पड़ते हैं जो उनकी तरफ क्लियर चली है। तो मेरा टीम मेट कहता है भाई तू रैंक पुश कर ले तो कैसे रास करेंगे। चलो ठीक है रैंक पुश ही करते हैं आज। तो हम लोग सोचे कि एक कंपार्टमेंट होल्ड करते हैं, एक कंपार्टमेंट होल्ड करेंगे तो सब वहीं पर आएगा। तो मेरा एक टीममेट है बहुत शातिर दिमाग है भाई, वो जहाँ बोलता मैंने कहता है जोन यहीं बनेगा तो यहीं बनता है जोन। तो रिकॉल टॉल हो गया क्लोज, तो हम यहाँ पर होल्ड करते हैं। होल्ड करेंगे कुछ नहीं होगा। तो फिर चारों तरफ देख लेते हैं कहीं पर बंदे हो गए या नहीं। तो मेरा टीममेट जो है साथी है ये उस तरफ है, देखो गाड़ी खड़ा है, इतना सारा गाड़ी है, ड्राइवर बंदे होंगे। तो मैंने बोला चलो रास करेंगे। तो नहीं भाई रैंक पुश करे तो रास कैसे करेंगे भाई। तो मैं रंग पुश नहीं खड़ा, तो मेरी टीम भी रंग पुश कर रहा, तो मेरे को क्यों। तो मैंने सोचा ठीक है क्यों ना हम भी थोड़ा रंग पुश कर लेते हैं। अरे यहाँ पर मेरे करेक्टर हो जाता है लेस, क्योंकि मेरा जाम बहुत बड़ा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लिया और जाम का गलत हो रहा था क्योंकि पिक करने के बाद जाम क्लिक हो रहा था। जाम को मैंने थोड़ा छोटा छोटा बड़ा किया, ये देखो जाम को मैंने छोटा बड़ा कर दिया था। तो लास्ट लास्ट सर्कल भाई यही बने थे, यही लास्ट सर्कल, इतना जोन पेपर किया है मेरे पे। तो ये देखो मेरे एक टीममेट है वेक्टर चाचा जो बहुत फानी है, उससे फानी कहे थे। थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि जो बहुत बंदे अलाइव है, 16 बंदे अलाइव है। ये एक टीम में कहता है भाई मुझे इस गल गेम पे चिकन डे निकलना है कि उसका दो गेम प्ले बेकार में चला गया था। तो ये देखो मेरा वेक्टर चाचा प्रो प्रो लेवल वाला
ऐसी है अभी ये टीममेट का आईक्यू कितने पे बहुत अभी जो है तगड़ी है भाई, बहुत तगड़ी है इसका टीममेट का आईक्यू, कसम से एक टीममेट मिला है भाई मास्टर एक्सेल। आईक्यू वाला टीममेट। पहले जाता है, पहले नॉक होके लौटता है, ये वाला गलती है अंधाधुन पुश करेगा, नॉक होगा, पड़ा रहेगा भाई, मेरे को पता ही नहीं वहाँ पर बंदे हैं। ऐसे लगे तो भाई क्या करे भाई, बंदे हैं, तुझे दिख चलो रहा है आपका तो ये दूर ब्रिज जाना नहीं होगा। दिया इस वक्त ये देखो जोन यहीं पे बनाया, तो मैंने सोचा यहीं वेट कर लेते हैं थोड़ा देर बाद। वेट को वेट करने के बाद थोड़ा देख रहे थे बंदे कहाँ पर हैं या नहीं। Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! मैंने टीममेट मार किया, वहाँ पर बंदे हैं, निकल रहे बंदे। तो मैंने सोचा मैं बोला कि वहाँ उस तरफ जाएगा, इस तरफ थोड़े आएगा, जैसे नहीं एक टीम में बोला नहीं इस तरफ भी आ सकता है क्योंकि कड़ोस मैंने जोन पे है ना, तो आ सकता है। इस तरफ भी गाड़ी खड़ी है, मार्क लगा दिया भाई, देख ले यहाँ पर गाड़ी खड़ी है। तो मेरा मेरा पिंग बहुत हाई आ रहा था, पता है नहीं क्यों आ रहा है। और भाई आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, जो जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ, कि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। बंदे को M24 से शॉट दिया मगर नॉक नहीं हुआ क्योंकि लेवल थी वैसे लेवल थ्री हेलमेट था उसके। और ये देखो एक गाड़ी आ रही थी, स्कूल हाउस से गाड़ी यहीं पर आए थे, तो इसके बंदे जो है स्टूडेंट मैंने को फायर किया, मैंने भी फायर किया भाई, मैंने फायर किया था मगर मेरा गोली नहीं लगा, उसका गोली लग के लग गया भाई। मेरा लेवल 2 का हेलमेट छोड़ दिया, पता ही नहीं चला क्योंकि मैं देख रहा था मेरा पिंग भी सही है, मेरा सब कुछ सही है, फिर भी मैं नॉक कैसे रहा। तो मैंने सोचा कि ना थोड़ा चेक कर ले, फिर देख रहा पिंग 84 है तो ठीक है भाई। तो मैंने टीममेट का कहता है कि वो दिखता है 84 में, अगर वो चलता 140 120 इनमें आना से भाई, मोबाइल नेट से खेल रहा हूँ ना, थोड़ी वाईफाई से खेल रहा हूँ। नीचे चलो मैंने मैं हेलमेट ढूंढने के नीचे ना उतर गया, मुझे हेलमेट चाहिए। तो मेरे टीममेट का नीचे भी हेलमेट हो सकता है, मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिला हेलमेट, तो मैंने सोचा कि नहीं हिल कर लेते हैं, जो नागे देगा। तो जो नागे निकल गया थे, मैंने ऊपर आके चलो जून में ही जब चलते हैं, मेरे दो टीम में तीन टीममेट के पास ही M2 पड़ता। तो ये देखो हमारे वेक्टर चाचा उतर गए ऊपर, बहुत मजा हुआ आया M249 चला के। दोनों के पास ही M249 थे हमारा, तो यहीं पर होल्ड करते हैं। वो लोग जो पानी से आएगा पता है, और एक एक दो बंदे ब्रिज से आए आ रहे थे, मतलब चारों बंदे चारों तरफ से मतलब सब हम लोग कवर कर रहे थे। तो हमने हार नहीं माना कि हमारा टीम मेट ही इतना प्रो है। देखो पहले ये मेरे को नॉक किया और मेरे टीम ने उसको भर दिया, मारे दे मारे दे, मेरे को रिवाइव दे भाई, पता है एक नंबर बोला था रिवाइव, सुनता ही कहाँ पर है। दोनों ने मेरे को रिवाइव दे दिया, तो फिर कह रहा है बंदे ऊपर आ चुका है भाई, बंदे नहीं थे वो कैंपर थे भाई, इतना ज़्यादा कैंपर था ना, क्या सही से बता रहा भाई, बहुत ज़्यादा कैंपर थे। और मेरे पास एकदम हील नहीं था, मैं इतना बार नॉक हो चुका था, मेरा हील बहुत ज़्यादा जा रहे थे, इतना कैंपर है भाई। देख लो आप भी गेम प्ले देख के पता चल गया कितना कैंपर है, एज डोमिनेट को लॉबी है भाई, इतना कैंपर हो सकता है। और फिर देखो मेरे पर नेट किया, मेरे पर हील एकदम नहीं है, तो मैंने कहा मैं यहाँ पर रुक के थोड़ा हील कर लेते हैं, तो हील वगैरह कुछ नहीं था। तो मेरे टीम करते वहाँ पर बंदे है, मैंने सोचा क्यों नहीं हील किया, हील के पीछे छुप के थोड़ा हील कर लेते हैं। मैंने दो चार नेट किया है, सोचा क्यों ना नेड ही कर देते हैं, कि चार नेड है मेरे पास, तो डैमेज तो नहीं हुआ ना उसका। तो मेरे टीममेट नेड कर रहे थे जम करके, तो मैंने सोचा FPP में नेड करते हैं तो थोड़ा सही होगा, किसी को देखने नहीं मिला क्योंकि वो सब कैंप पर थे, कैंप करके नीचे बैठा हुआ था, तो पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पर है। तो मैंने थोड़ा जम किया, जम करके देखने की कोशिश किया, नहीं मिला उसको, सोचा क्यों ना चार नेड है, चार नेड ही कर देते हैं। तो मैंने FPP में स्विच किया और नेड डाल दिया, एक भी नहीं फूटा। तो फिर टीम मेट एक नॉक कर देता वहाँ पर, मैं तो मैं वहीं पर नेड करता हूँ मगर ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि उसके ऊपर सील्ड कर दिया था,
सील करने का पता ही है, दो दो सील करोगे तो नेट नहीं आएगा। तो यहाँ पर किसी ने मॉली किया है सामने, तो अगेन यहाँ पर फाइट होता है तो मेरा टीममेट रहता है नॉक। मैंने यहाँ पर नेट फेंकता हो कुछ नहीं होता, तो मेरा टीममेट यहाँ पर टिक करके बैठा होता है तो उसको नॉक देता है। मैं अभी सही टाइम पे मैं करता हूँ M249 को रिलोड। मैं ड्रिंक पी रहा था, देखो मेरा टीममेट क्या करता है, उठा खड़ा हुआ और ये नॉक देख रहे हो। फिर मैं इसको रिवाइव देने चला गया था, रिवाइव दे रहा था तभी दिख रहा है एक बंदा उठ के खड़ा होता था, मेरा टीम उसको भर दिया था। और ये टीम भी देखो ये इसका चूल मची है, फिर दो नॉक है, अब चलो आ जाओ लास्ट करेंगे। तो ये सोचा ही नहीं कि मेरे पास M249 था, तो मैंने भर दिया उसको। अब मेरे टीममेट को रिवाइव करता, फिर मैं रिलोड करता हूँ, थोड़ी फायर भी करता हूँ क्योंकि टीममेट को रिवाइव हील मारना था। मैंने इसको फायर भी किया कि आगे ना आए, फिर मैं पीछे तरफ चला जाता हूँ। यहाँ पर बंदे नहीं है, वो मैंने टीममेट कर रहा, क्लोज कर रहा है बंदे, तो मैं चला तरह मैं आ रहा हूँ। वो देखो वो भर दे उसको, और ये एक शील्ड के पीछे है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं M249 चला लेते हैं। तो मैंने M249 चला लिया और एक सील कर देते हैं। M249 बुलेट आप पता ही है, एक भी नहीं रुका। मेरा टीममेट M249 दो दो M249 वो ख़त्म कर दिया उसको, फिर वो हंस रहा था लास्ट में बता दे भाई दो दो M249 क्या बात है भाई, वेक्टर वाला काम अच्छा होगा। तो इसी के साथ ये बंदे हो जाता है हमारा चिकन डिनर। और एक पसंद लोग आपको पता ही है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब।